Welcome to Talk About Wood with Mohsin Gill. अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आपका होस्ट मोहसिन गिल। तो ईद के बाद ये हमारी पहली वीडियो है। सबसे पहले मैं आप सबका वेलकम करता हूँ अपने YouTube चैनल पर Talk About Wood with Mohsin Gill। जैसा कि आप सबको पता है, मैं लकड़ी के बारे में इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ चुगाड़ के अंदर से दरवाजे का साइज किस तरह लेते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। बहुत ज़्यादा लोगों को चुगाड़ के अंदर से दरवाजे का साइज लेने में जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊँगा चुगाड़ के अंदर से दरवाजे का साइज किस तरह लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भाई मेरी वीडियो पर नए आए हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो उन तक पहुँच जाए। तो आइए व्यूवर्स, आज की वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं। तो व्यूवर्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि दरवाजे का साइज़ जो हमें लेना है ना, वो सबसे पहले हमारा जो है वो फर्श डला होना चाहिए, ठीक है। फिर आफ्टर फर्श जो है हम दरवाजे का साइज लेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने टाइल लगवानी है रूम में, ठीक है, तो आप फिर टाइल लगवाने के बाद जो है वो दरवाजे का साइज लें, ठीक है। अगर आपने कुछ अर्सा बाद जाकर टाइल लगवानी है, फिर आपने जो है वो कम से कम जो है 1 इंच दरवाजा छोटा रखना, ठीक है। कल को आप अगर टाइल लगवाते हैं, ठीक है, फिर आपको जो है वो दरवाजे को काटना है ना पड़े, ठीक है, या किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो जी व्यूवर्स, जैसा कि आप देखते हैं, ये हमारी बेडरूम्स की चुगाड़ लगी हुई हैं। अंदर वाली साइड से ही मैं आपको दिखाता हूँ, जिस तरह आप ये देख सकते हैं, अंदर वाली साइड से भी ये जो हमारी चुगाट है ना, ये आपको नज़र आ रही होगी, जो जब चुगाट की चादर अंदर की तरफ बेंड हुई हुई है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये चारों तरफ जो है ना ऐसे ही होती है, इसको हम बोलते हैं पताम। जी व्यूअर्स, जैसा कि मैंने बताया है, ये जो चादर की जो बेंड हुई हुई है ना चादर, इसको हम बोलते हैं पताम। जिस तरह आप देख सकते हैं, ये चुगाड़ के तीनों साइडों पर पताम जो है वो डला होता है। पताम के अंदर अंदर से जो है हमने दरवाजे का साइज लेना होता है चौड़ाई में, ठीक है। और लंबाई में नीचे आप देख सकते हैं, फर्श से लेके ऊपर ये जो है ना, ये पताम यहाँ तक हमने साइज लेना चाहिए। तो बता रहा आपको साइज किस तरह लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपने इंची टेप को जो है वो पताम के अंदर रखना है, चुगाड़ के पताम के अंदर। आपने ये जो है पताम के अंदर जो है ना इंची टेप रखना है, जिस तरह आप देख सकते हैं चुगाड़ में जो पताम डला है उसके अंदर इंची टेप लेके जाना, ठीक है ना। जब बिल्कुल साइज लगा के दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, ये देखें, ये इस तरफ, ये हमारा पताम के अंदर तकरीबन जो है 42 इंच दरवाज़ा लग रहा है, ठीक है। चौड़ाई जो है हमारी 42 इंच, ठीक है ना। तो दूसरी तरफ मैं लंबाई में भी आपको बताता चलूँ, इधर फर्श के हिसाब के ऊपर रखना है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा तकरीबन 83 इंच आ रहा है पताम के अंदर। तो व्यूअर्स, दरवाजे का साइज लेना जो है वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप खुद भी अपने दरवाजे का साइज ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने चुड़ाई का पताम के अंदर अंदर से चुड़ाई का, और फिर ऊपर पताम से लेके नीचे जो है फर्श तक जो है वो आपने लेंथ का जो है हमारी लंबाई उसका साइज लेना है। तो जी व्यूअर्स, आपने देखा होगा दरवाजे का साइज किस तरह लेते हैं। बेसिकली तो जो साइज लिया जाता है वो आफ्टर फर्श डालने के बाद या टाइल लगाने के बाद लिया जाता है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है, फर्श डला हो या आपने टाइल लगानी हो तो उसके बाद जो है वो आप साइज लें, क्योंकि फिर दरवाज़ा छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, वो आपके लिए इशू बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको दरवाज़ा का साइज लेने का तरीकाकार समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।